हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेके आ गए हैं ब्रांड न्यू सॉल्ट रीडिंग, क्योंकि आप सभी ने, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब आप कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करते हो। तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि जो आप लोगों को देखना है तो उस पर हम रीडिंग ज़रूर लेके आएँ। चलिए शुरू करते हैं सॉल्ट रीडिंग, क्योंकि आप सभी को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आजकल आप प्रोटेक्शन चाहते हो। लगता है न जाने क्यों किसी की नज़र है आप पे और उस चीज़ को आप भी महसूस कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है मार्च तक सब कुछ सही चला है और ऐसा लगता है कि मार्च के बाद, मिड मार्च के बाद या मार्च एंड या अप्रैल में जून बहुत अलग रहे हैं आपके लिए, बहुत कठिन रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से खुद को निकाल नहीं पाए हो और ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ में फंस के आपका दिमाग ना, जैसे कहते नहीं है, चारों तरफ उससे किसी ने घेर लिया है और घेर के बांध के रख दिया है। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। बहुत उलझन में हो, पिछले कुछ टाइम से बहुत उलझन में हो। उलझन ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर आपके दिमाग में चलता है कि वेट और मूव ऑन। तो इस बात का आंसर मैं आपको देना चाहूँगी, एंजल्स हमें बताइए। देखो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वेट और मूव ऑन आप कैसे कर सकते हो, ये आपको क्या करना चाहिए। देखो मूव ऑन का मतलब है कि अपनी लाइफ में ध्यान देना और पिछली बातों को बार बार ना सोचना और जो हुआ उसे एक्सेप्ट कर लेना। वेट का मतलब है कि आपको बाकी सारे काम छोड़ के अपनी लाइफ में बस 24 घंटे बैठ के उस चीज़ को सोचना। तो ऑब्वियसली आपका जवाब है मूव ऑन, क्योंकि देखो अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में किसी को लाना नहीं चाहते, लेकिन आपका लाइफ में खुद स्टक होकर बैठ जाना भी बहुत गलत है। आप अगर वेट करना चाहते हो तो आप मूव ऑन करके भी तो वेट कर सकते हो, आप अपना काम करते करते भी तो किसी का वेट कर सकते हो, पर अपनी लाइफ को दाव पे लगा के, उसको पूरी तरीके से अटका के, अपनी प्रायोरिटीज़ को अलग करके ऐसा करोगे तो मुझे लगता है कि ये आपका गलत डिसीजन होगा। फिर उसको आगे जाके आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है कि काश मैंने तब इस बात को समझ लिया होता। देखो ये आपका सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और यहाँ पर एक चीज़ पता चल रही है कि आपको ना अपना काम या अपनी लाइफ को रोकने की ज़रूरत नहीं है उनका वेट करते करते, क्योंकि अगर उनको आना होगा तो वो आ ही जाएंगे। पर आप अपनी लाइफ में अगर चलते रहोगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप कभी भी गिरोगे या खुद को कमज़ोर महसूस करोगे या उनके पीछे भागोगे। तो आपके लिए मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के दिल में अभी बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और शायद जाकर भी आप इनके ज़िंदगी में आओगे नहीं, और यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं और वो शायद आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्रॉस रोड्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों आकर एक पॉइंट है जहाँ ऐसे मिलोगे, ठीक है, या तो फिर आप दोनों एक साथ चलोगे या तो फिर कोई इधर जाएगा और कोई इधर जाएगा। ये चीज़ साफ़ है, या तो आप दोनों ही इधर आओगे या तो फिर इधर या फिर इधर। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, ये सारा कुछ डिपेंड करता है उस एक पॉइंट पे जहाँ पे आप दोनों आके मिलोगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, एंजल्स हमें न्यूमेरोलॉजी की गाइडेंस दीजिए। 10 अक्टूबर तक मुझे लगता है चीज़ें सही होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है अक्टूबर मंथ में हो सकता है दोनों में से किसी का बर्थडे आता हो, या पिछली बार बहुत ज़्यादा खास रहा हो जब आपकी लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी अक्टूबर, या हो सकता है अक्टूबर महीने में ही आपका साथ छूटा हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अक्टूबर तक, ये नहीं बोल रही अक्टूबर, उससे पहले पहले भी हो सकता है अक्टूबर तक, यहाँ पे मुझे एक साइकिल कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है और उस साइकिल के बाद मुझे सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक इन द सेंस मुझे लगता है कि रुकी हुई चीज़ आगे की ओर बढ़ रही है, कोई एनर्जी नहीं है जो उनको रोक रही है। इसका मतलब जो बातचीत है वो मुझे, जैसे कहते नहीं किसी ने पानी को कहीं पर रोक रखा था और एकदम से वो खुल गया तो फिर पानी आराम से बह रहा है, आराम से फीलिंग्स और इमोशंस आप बयान कर पा रहे हो। तो ऐसा ही लग रहा है कि जो स्टकनेस है, जो स्टिफपन है, जो स्टेगनेंट वाटर था, जो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आप पे हावी
इतने ज़्यादा हावी हो रहे थे कि आप देखो जैसे कि ये पानी है या आपके इमोशन से, तो आप उसे बहने नहीं दे रहे थे, आप उनको यहीं पे ही जमा कर दे रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जमा होते 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 पानी इतना ज़्यादा भर जा रहा था कि आप उसमें खुद ही डूब जा रहे थे। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे क्लैरिटी होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे बहुत कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है आने वाले कुछ टाइम में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। चलिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस को देख लेते हैं। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। सेल्फ वर्थ, रिन्यूबल, आपकी रिन्यूबल वाली एनर्जी है, कमाल की एनर्जी है। ग्रीव, आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, और आपके पर्सन और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं सेल्फ वर्थ को लेके। दोनों ही इस वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तवज्जो दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और एक बार यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन या फिर मुझे लगता है आपके पर्सन के पास या आपके पास कोई पेट था जिनका नाम आपके पर्सन ने दिया था, या फिर सेम सिचुएशन उस तरफ हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों को ही ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक दूसरे को पाने के चक्कर में आपको अपनी सेल्फ वर्थ बिल्कुल भी नहीं खोनी है। तो आपके लिए था ये प्यारा सा मैसेज। चलिए बताइएगा ज़रूर ये रीडिंग कैसी लगी, कितनों के साथ रेजोनेट हुई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आपका वेट कर रही है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए God bless you and bye-bye.